सो हे गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज सनी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाल कितने छोटे कर दिए यार, बहुत छोटे काट दिए इस बार। सो मैं जहाँ पे गया था बाल कटवाने के लिए, जो भैया मेरे बाल काटते हैं वो थे नहीं वहाँ पे, तो किसी और ने मेरे बाल काटे। तो आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई और अगर आपके बाल काट देता है तो उसको पता नहीं होता कि कैसे काटने, उन्होंने बस कैंची मार दी और बाल इतने छोटे कर दिए मेरे। बाकी अभी मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पहले एक सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, सो ये पूरा तोड़ दिया है। और यहाँ पे सिद्धू आया हुआ है मेरे घर पे, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं फरीदाबाद। यू व्हाट्स अप सिद्धू, हाउ यू डूइंग ब्रो। तो अभी ये देख रहा है, क्या देख रहा है भाई, ये क्या है, GTA 5 6। अरे भाई GTA 6 तो आई नहीं अभी तक। सो ये हमारी मम्मी जी, कैसे मम्मी आप, क्या देख रहे हो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, बाल कैसे लग रहे हैं? बाल थोड़े छोटे करा बेटा। बाल छोटे, मम्मी कितने छोटे कराओगे यार, इतने बड़े बाल थे, छोटे कर रखे हैं बाल ये, इतने ज्यादा छोटे यार। हर किसी की मम्मी ऐसी की होती है, मेरे पहले मैं एक दोस्त के घर गया था, वहाँ पे भी बोल रही थी उसकी मम्मी, वो इतने बड़े बाल थे, उसको इतने छोटे कराए, उसकी मम्मी बोली छोटे करा। सर मैं जा रहा हूँ वैसे फरीदाबाद, बिकॉज संडे का दिन है आज। मैं संडे के दिन पे अपने भाई जो मेरा जय है उसके घर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसे बन रहा है पहले। सो मेरा रूम बन रहा है यहाँ पे, और रूम अभी हो चुका है इतना। और अंकल जी कैसे हो आप, बढ़िया बिल्कुल। तो मेरा रूम अंकल बिल्कुल रेडी कर दिया आपने। तो यहाँ पे अभी रूम का काम इतना हो चुका है। मैं कंफ्यूज हूँ अभी कि मैं वॉल आर्ट लगाऊं कहाँ पे, अपनी इस साइड लगाऊं कि इस साइड लगाऊं। सोचा पहले ही बना लेता हूँ इसकी वीडियो, क्योंकि बाद में तो बार बार चीजें होती नहीं है तो यादें होंगी मेरी। है तो ये हमारे मोंटू भैया, और भैया अभी वेट लॉस पे, भैया कितना कर लिया अभी वेट लॉस? दो चीजें बोली है, 10,000 स्टेप्स ट्रैक करने के लिए और पानी पीने के लिए, भैया दोनों चीजें कर रहे हैं। और अभी भैया क्या हो रहा है, ऊपर का काम क्या करवा रहे हो आप? अभी कॉलम भरे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चिनाई होगी। ओके, चिनाई के बाद छत। तो भैया आपको पूरा आइडिया है इस काम का कि कैसे होता है ये? डैडी के आगे सब फेल है। तो इस कमरे के अंदर हो रखा है बहुत ज्यादा मेस, बिकॉज अभी सारा जितना भी घर का सामान है भाई सर के ऊपर दिख रहा है ना, तो सिद्धू ये रिकॉर्ड कर रहा है अभी। इसमें हम डालता हूँ अपना मैकबुक, बिकॉज मेरे को लेके जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि वहीं पे इस ब्लॉग की एडिट कर लूँ। क्या दिक्कत है, अभी बाहर का खा लूंगा यार, नहीं खाना बेटा। मतलब मम्मी अभी मैं घर से निकला नहीं हूँ, पर मम्मी ने पहले बोल दिया बाहर का कुछ नहीं खाना मेरे को। सो कभी मैंने इस टाइप के ब्लॉग नहीं दिखाया कि मैं घर पे क्या करता हूँ और कैसे मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिकली जितने ब्लॉग्स आज तक बनाया वो बस बाहर के बनाए, कि मैं ये खाने जा रहा हूँ, वो खाने जा रहा हूँ। तो मैंने कोशिश करी कि इस बार थोड़ा बहुत दिखाऊं यार, घर का स्टार्ट करूं ऐसे दिखाना, बिकॉज यू गाइस विल गेट टू नो मी एंड एग्जैक्टली मैं करता क्या हूँ, कैसे होता है। और एक और चीज जो किसी को नहीं पता, राइट नाउ आई एम परस्यूइंग लॉ, और उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा। मेरे को अभी अपने बेयर एक्ट भी लेने जाने हैं, मैं जाऊंगा उसको लेने के लिए कनॉट प्लेस, तो वो वाला ब्लॉग भी पक्का आएगा। अच्छा शल कोक, हाँ जी, सॉरी शल कोक मेरी ऊपर है, एक बार मैं ले लूँगा। सो तो अभी दो गैराज बनाया, जो सेकंड वाला गैराज अभी खाली पड़ा है, बिकॉज उसके लिए कार लेके आनी है, और वो कार का व्लॉग मैं पक्का डालूंगा अभी, बिकॉज मेरे को ना टेस्ट ड्राइव लेने जानी है बहुत सारी कार। सो बहुत सारे मेरे दिमाग में आइडियाज़ हैं, मर्सिडीज फॉर्चुनर की जो आई है, एक फॉर्चुनर लेजेंडर भी आई है, बहुत अच्छी कार है वो, तो एक बार वो भी ट्राई करूंगा मैं जाके। So, हम आ चुके हैं फरीदाबाद, एंड व्हाट्स अप ब्रो, ये मेरा भाई है जय नाम है इसका, एंड बहुत लंबा हो गया पहले से भाई एकदम से। अपना फेवरेट डायलॉग बोल सबसे पहले, बहुत आ रही है। फरीदाबाद की खासियत मैंने देखी है कि फरीदाबाद में ना बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता, बिल्कुल खाली रोड है। जैका एक चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, पक्का देखना उस चैनल को, मौज वाली वीडियो आएगी, मौज करने वाली। सो अभी चलते हैं ऊपर, पहले बुआ से मिलते हैं। और बुआ नमस्ते, ये हमारी बुआ जो रहती है फरीदाबाद में। बुआ कैसा लगा मेरे को देख के? So yes, so
हम आ चुके हैं पूल खेलने के लिए और आज जो है बहुत गंदी तरीके से हारने वाला है। आज तो हारने नहीं वाला, हराने वाला हूँ। क्या बात कर रहा है? अरे डेली आता हूँ, लगता है तू जीतेगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा ऑफ कोर्स, डेली आता हूँ, मैं जीतूंगा। मौज कर देगा तू? मौज ऐसे मारूंगा शॉट ऐसे। चलो देखते हैं अंदर जाके कौन जीतता है, उसके बाद आप क्लिप देख ही लोगे। सो लेट्स गो। मैंने जीतना है। So, हम आ चुके हैं बाहर और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं ही जीतूंगा। पता नहीं यार क्या हो गया, एकदम कैसा लगा, क्या हुआ? मौज तो कर दे, ये वाला शॉट मार रहा था। ये वाला ये मौज नहीं कर पाया। अंदर जाके एक शॉट मिस हो गया बस। एक शॉट मिस हो गया। एक शॉट तो मिस हुआ, ब्लैक बॉल लगाया तेरे को मैंने, पर मजा आया। मौज होगी कि नहीं? तू कौन जीता वैसे बता? सनी भैया जीते ना। ये लड़के देख रहा है मेरा भाई है, सन्नी भैया जीते हैं। तो सच बता दे कौन जीता है। सिद्धू सच बता दे भाई कौन जीता, सच सच बता दे। मैं नहीं जीता। अबे भाई मैं ही जीता हूँ। मेरे 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, मेरे 100 रुपए जल्दी दे। So guys, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक मार देना, कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके। सिंधु क्या कहना चाहोगे? स्माइल के लिए 200 लाइक गाइस कर ही देना, कर ही देना, बस बोल देना इसने तो कर ही देना। सो मैं इस व्लॉग को इसलिए एंड कर रहा हूं बिकॉज़ इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, सो वो पार्ट 2 आप देखना। सो गाइस टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। डैब का है तुम दोनों का, मेरी परंपरा भूल गए क्या? जल्दी करो। सेक्सी बेबी सुबह कर गया, तू ऐसे कर सेक्सी बेबी। जब होता है जाने सुने चुरा ले गवाने सुने क्या बोलता है जाने।